तो गाइस कैसे हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यार डोरेमोन सीरीज के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स कौन हैं। और यार मुझे पता है कि यार आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हो आप में से बहुत सारे लोग, और लाइक नहीं करते हो यार, तो यार अभी लाइक कर दो। और आज की इस वीडियो का एक लाइक टारगेट भी है और वो है 300 लाइक्स का। तो देखते हैं यार आप लोग कितनी देर में कम्प्लीट करते हो। तो यार जो भी वीडियो देख रहा है अगर वो लाइक कर दे तो सही में यार मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तो यार चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो लास्ट के नंबर 2 और नंबर 1 के कैरेक्टर हैं वो आप लोगों को सही में ही शॉक करने वाले हैं। तो आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, वरना यार इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और आप लोग वीडियो का भी स्किप कर दो अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देख पाओगे। तो जो नंबर 10 का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर डोरेमोन सीरीज का है वो है बाओवांको स्टैचू, बाओवांको की मूर्ति। ये प्रेजेंट था डोरेमोन की मूवी डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द एक्सप्लोरर ऑफ बाओबाओ में। इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स थे और यार कुछ ऐसे वेपन्स थे जो कि यार मूवी में शो भी नहीं हुए थे। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और अगला कैरेक्टर है डोरेमोन। तो यार आप लोग सोचोगे कि यार डोरेमोन इतना नीचे कैसे है। तो हाँ यार डोरेमोन सीरीज में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि डोरेमोन से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। डोरेमोन पावरफुल तो है तभी इस लिस्ट में नंबर 9th पे है। उसके पास कुछ ऐसे गैजेट्स भी हैं जो कि पूरे यूनिवर्स को मिटा सकते हैं। पर यार आप में से कुछ लोग बोलोगे कि डोरेमोन अगर पावरफुल है तो उसके जैसे भी बहुत सारे डोरेमोन हैं वो भी पावरफुल होंगे। तो देखो यार डोरेमोन सबसे अलग है क्योंकि उसको लग गई थी बिजली, जिसकी वजह से यार वो बहुत चेंज हो गया। उसके अंदर कुछ ज्यादा ही ह्यूमन इमोशन आ गए जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो बाकी सभी डोरेमोन से वैरी करती है। तो चलो यार देख लेते हैं अपना अगला कैरेक्टर जो नंबर 8th का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है वो है तोरीहो। तो अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि तोरीहो कितना पावरफुल कैरेक्टर है। मूवी के एंड होते होते तक यार बहुत सारे कैरेक्टर मर जाते हैं पर तोरीहो इज स्टिल अलाइव और ये अभी भी जिंदा है और इसका ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल है। तो चलो यार देख लेते हैं अपना नंबर 7th का कैरेक्टर। और नंबर 7th का जो हमारा कैरेक्टर है वो है फिनिश। तो यार आप लोगों ने इस कैरेक्टर को देखा था डोरेमोन की मूवी बर्डोपिया का सुल्तान में। और यार गौर करने वाली बात यह है कि एट द एंड जब मूवी एंड होने वाली थी तो यार इसकी पावर इतनी हाई हो चुकी थी कि डोरेमोन और नोबिता इसको हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और यार मूवी के एंड में डोरेमोन और नोबिता को फिनिश आउट करना पड़ा टेलीपोर्ट एट द पास्ट में टेलीपोर्ट करना पड़ा। तो चलो यार अगला कैरेक्टर भी देख लेते हैं। और अगला कैरेक्टर है गोल्डन बीटल फ्रॉम द मूवी डोरेमोन नोबिता और जादुई टापू। कैरेक्टर की पावर का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो कि ये पूरा का पूरा टापू अपनी इंटरनल एनर्जी से चला रहा था, जो कि यार सही में बहुत ही बड़ी बात है। और गाइस मूवी में भी हमें इसकी एनर्जी का सिर्फ कुछ % ही शो हुआ था। तो चलो यार देख लेते हैं अगला कैरेक्टर। और अगला कैरेक्टर है डोरेमोन की मूवी डोरेमोन जादू मंत्र और जहन्नुम से, और इस कैरेक्टर का नाम है डिमोन। ये एक एविल कैरेक्टर है और इसके पास मैजिकल पावर भी है तो जो कि इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। और शायद से आप लोगों को ये चीज याद हो कि इतना पावरफुल है कि इसने एक प्लैनेट को पूरा अपना हार्ट बना रखा था, जो कि सही में सुनने में बड़ा ही डेंजरस लगता है। तो गाइस चलो देखते हैं अगला कैरेक्टर। और अगला कैरेक्टर हमारा एक विलन की जगह एक हीरो है और अगला कैरेक्टर है जेंडा क्रॉस। तो हाँ यार मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस कैरेक्टर के फैन हो। तो यार फैन हो तो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो यार। और गाइस जेंडा क्रॉस यार सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पास कुछ ऐसे वेपन है जो कि पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर सकते हैं। और इसकी पावर का ट्रू एक्सटेंट तो आप लोगों ने तभी देख लिया होगा जब कि नोबिता से गलती से इसका लेजर ऑन हो गया था और पूरी मिरर सिटी ही तबाह हो गई थी। तो चलो गाइस जेंडा क्रॉस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला कैरेक्टर। और जो अपना नेक्स्ट सबसे पावरफुल कैरेक्टर है एंड नंबर 3rd मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है माफुका। तो आप लोगों ने इस कैरेक्टर को देखा था डोरेमोन की मूवी डोरेमोन और तूफानी एडवेंचर में। तो यार सही में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और एक एंशियंट क्रिएचर है और इसके पास बहुत सारी एविल पावर हैं। तो चलो यार आ जाते हैं अपने नंबर 2nd कैरेक्टर में। और यार सो लिस्ट के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो नंबर 2nd और नंबर 1st हैं। तो जो गाइस नंबर 2nd का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है वो है एल्डर जी। तो इस कैरेक्टर को आप लोगों ने नोटिस करा था डोरेमोन की मूवी हरा हरा प्लेनेट में। और यार इसकी पावर इतनी थी कि इसने पूरे प्लेनेट को वापस से रिस्टोर कर दिया था। और गाइस ये एक हीरो भी है, मतलब यार ये विलन कैरेक्टर नहीं है। और सबसे स्ट्रेंज चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि यार जो प्लांट प्लेनेट था ये वहां पर रहता था, पर यार वहां के लोग भी नहीं जानते थे कि ये असल में है कौन, जो कि इस कैरेक्टर को एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी बनाते हैं। और यार चलो देख लेते हैं लिस्ट का नंबर 1 कैरेक्टर। और यार आप लोग कोई सा भी कैरेक्टर लेके आ जाओ पर इससे पावरफुल कैरेक्टर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है आपको। तभी यार ये हमारी लिस्ट का नंबर 1 कैरेक्टर है और इसका नाम है
सीड सोवर। तो यार आप लोग बोलोगे कि आखिर ये इतना पावरफुल करेक्टर क्यों है, तो गाइज ये खुद ही भगवान है, ये खुद ही गॉड है। इसी ने बहुत सारी जगह पे लाइफ क्रिएट करी थी। और यार ये करेक्टर आप लोगों को देखने को मिला था डोरेमोन की मूवी गोल 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 माल में। तो गाइज यार आप लोग ही बताओ कि यार इससे ज्यादा पावरफुल करेक्टर कौन होगा जिसने खुद ही लाइफ क्रिएट करी हो। और तभी यार ये लिस्ट के नंबर टॉप पे है। तो यार उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो गाइज यार सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।